तो इसको अपन y की कैलकुलेट कर लिए और इसका रेंज अपन फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। सिंपल सा काम है, कोई टफ सा काम तो है नहीं। क्या करते हो बताओ, फर्स्ट स्टेप सर x में क्वाड्रेटिक बनाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो तो क्या क्या है, क्या ये 3y-5 होगा, ठीक है भाई। यस सर। कोफिशिएंट क्या होगा तो -2y+2 होगा। कांस्टेंट क्या आ जाएगा तो कांस्टेंट क्या बोलोगे यहाँ से, तो -y -1=0। अब आपको पता है एक्स में क्वाड्रेटिक बन गया है और एक्स बिलोंग्स टू अपना क्या है, आर है, रियल है, तो रूट्स रियल आएगा। तो रियल रूट्स के लिए कंडीशन क्या लगाते हो आप, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, नहीं जीरो टू जीरो बोलते हो। तो डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो बोलने से पहले क्या आप इसको इंश्योर करते हो कि ये क्वाड्रेटिक ही है आपका, तो कैसे करोगे, इस वाले पार्ट को बोलोगे नॉट इक्वल्स टू जीरो, 3y-5 नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी कि y नॉट इक्वल्स टू 5/3, चलेगा जी। Yes, sir. बोलोगे हाँ बिल्कुल बोलोगे, चलेगा। आगे देखते हैं, अब सोचो अगर d ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो करे तो ये क्या आएगा, b²-4ac, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, -2y+2²-4ac, 3y-5 × -y-1 > 0। अब देखो यहाँ से 2 अगर कॉमन ले तो बाहर क्या आएगा, 4 आएगा और यहाँ पे 4 है, हटा दे इसको। यस सर, हटा देते हैं। तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ y-1² और +3y-5y+1 > 0, ऐसा आ गया। अब सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हैं अपन, तो देखो क्या आएगा, y²-2y+1 + 3y²+3y-5y -5 > 0। तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो तो कितना आ रहा है, y स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 आ रहा है, यानी कि 4y² आ गया। और y का कोफिशिएंट देखो तो कितना है, -2 है, -4 आ रहा है, बहुत बढ़िया। और कांस्टेंट क्या आ रहा है, ये भी -4 आ रहा है, -4 > 0। क्या आपका ये y²-y-1 > 0 हो गया, बताइए, ऐसा है ना, y²-y-1 > 0। अब इसका फैक्टर आपको दिख नहीं रहा होगा, नहीं तो क्या इसका रूट्स आपका, हाँ रूट्स फाइंड कर सकते हो, क्या होगा y इक्वल्स टू क्या लिखो, -b + √d/2a, ऐसा हो जाएगा। तो देखो तो -b के प्लेस पे क्या आ जाएगा भाई, तो 1 + -√d कितना आ रहा है, 5/2, क्लियर है सबको ऐसा। यस सर। क्या इसका अपन फैक्टर लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा भाई, तो y -1 + √5/2 और y -1 √5/2 > 0। चलो देखते हैं, एक आ गया यहाँ पे 1 - √5/2, दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बोलोगे, 1 + √5/2 +-, अपना फेवरेबल पार्ट कौन सा है, प्लस वाला पार्ट है, प्लस वाला पार्ट है। तो y आपका कहाँ से कहाँ लाई करेगा, एक तो आ गया y < 1 - √5/2 और दूसरा क्या आ गया, y > 1 + √5/2, क्या यही आया सबका। यस सर, यही आएगा। अब सोचो y के प्लेस पे था क्या आपका, y के प्लेस पे क्या है यहाँ पे, 2sin t, तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 2sin t रख दे, तो तुम क्या कहना चाहोगे, 2sin t जो होगा क्या आपका < 1 - √5/2 होगा, और 2sin t क्या ये > 1 + √5/2 होगा। अब बताओ यार यहाँ से sin t क्या आएगा, क्या ये 1 - √5/4 होगा, और क्या बोलोगे, sin t > 1 + √5/4,
इसको देख के क्या ख्याल आ रहा है? कुछ मिलता है? क्या अपन बोल सकते हैं ये माइनस साइन माइनस फाइव है टेन, ऐसा बोल सकते हो? और इसको क्या बोल सकते हो? देखो तो साइन थर्टी थ्री फाइव है टेन होगा, ऐसा बोलेंगे? बताओ यार। यस सर, यस सर। हमारा कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक है। और ये मिनिमम कहाँ से कहाँ हो सकता है? ऐसा तो नहीं है ना जो इससे छोटा कुछ भी हो सकता है? नहीं, माइनस वन से छोटा होगा? नहीं होगा। साइन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है? माइनस वन टू वन होता है, इसी के बीच होगा। ऐसा तो नहीं ना साइन टी बोला है इससे बड़ा होना चाहिए, इन्फिनिटी लेके चले जाओ? नहीं ना यार, वो वन छोटा होगा ही। तो अगर अपन देखें तो अपना टी कहाँ से कहाँ होगा? टी अपने को दे भी रखा है माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू में बात करना है। तो बताइए क्या आप यहाँ से बोलोगे t greater than equals to minus pi by 2 less than minus pi by 10, और यहाँ से t क्या हो जाएगा greater than equals to 3 pi by 10 to pi by 2 होगा? यही तुम्हारा आंसर आएगा, यानी कि आंसर जो आएगा वो क्या आ गया, t belongs to minus pi by 2 to minus pi by 10 यूनियन 3 पाई बाय 10 टू पाई बाय 2। क्या ये सबको क्लियर है? सबको समझ में आया? सर हाँ जी कहिए कहिए सर। कुछ नहीं, नहीं बोल लो। नहीं सर। और सबको क्लियर है? बहुत बताओ, नहीं आया क्या समझ में? ट्राई नहीं किए थे क्या आप घर पे? इसको ट्राई करना था ना घर पे। देखो तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था आपके सामने, इसका रेंज फाइंड करते हैं, उसके बाद इसके इक्वल इक्वेट कर देते हैं। जब तक पढ़ोगे नहीं, ट्राई नहीं करोगे तो कहाँ से आएगा यार? इतना सिंपल होता तो कोई भी उठ के आ जाता ना। सिंपल है बस, आप सबेगा। हाँ जी कहिए। सर 5 बाय 3 को चेक नहीं किया किस पे? सर x स्क्वायर कोफिशिएंट चेक नहीं किया। ओके ये वाला देखो तो ये कहां पे लाई करेगा? यस सर। ये कहां पे लाई करेगा? इसको देखो तो इसका वैल्यू किसके अप्रोक्स होगा? 1 पॉइंट समथिंग, 1.6 1.66 और 1. यस सर। हाँ तो 1.66 कहाँ पे आएगा? इसके बीच में आएगा? वो तो पहले भी अपन नहीं ले रहे। नहीं बोलो जी, वो तो पहले से ही पार्ट नहीं है ना इसका सॉल्यूशन का, जैसे हम लोग ले रहे हैं सर। हाँ जी। तो 5 by 3 तो 2 sin t के बराबर रखना है ना उसको, तो 2 sin t से अगर 5 by 3 होगा तो sin t 5 by 6 होगा सर, और ये तो 3 5 by 2 ना 5 by 2 के बीच में रह जाएगा। साइन सर हम अगर बाय को 5 बाय 3 रखते हैं हाँ हाँ तो साइन टी 5 बाय 6 हो जाएगा, और साइन टी 5 बाय 6 तो हम ले रहे हैं रेंज में 5, लेकिन हम जो ये अपन जो सॉल्यूशन फाइंड करते थे पीछे देखो तो इन समय जो तुम सॉल्यूशन फाइंड करते थे इस वाले में, उस सॉल्यूशन के पार्ट में देखते थे ना अगर कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो है x square जो है ये not equals to zero, उस वाले solution में अगर part हो तब ना अपन include करते थे exclude करते थे तब ना सोचते थे, लेकिन जब वो part ही नहीं है तो उसके बारे में क्या सोचना? समझ पा रहे हो आप? sir 5 by 3 range में आ रहा है। आ रहा है sir। yes sir। तो sin t 5 by 6 54 से बड़ा ही आएगा sir मतलब। ओके तो फिर पहले तो तुमको ये चेक करना पड़ेगा ना जो इसका वैल्यू क्या 5 बाय 6 आ रहा है क्या, पहले तो तुम इसको चेक करो, चेक करो ये क्या 5 बाय 6 5 बाय 3 आ रहा है क्या इसका वैल्यू, फिर मैं बता दूंगा। यस सर आ रहा है सर, माइनस 2 के लिए आ रहा है 5 बाय 3 1 माइनस 2x प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अगर अपन रखे तो ये कितना आ रहा है बताओ?
x minus 2 आ रहा है. ओके यहाँ से x minus 2 के लिए ऐसा आ रहा है, नहीं 2 रखे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 plus 4 plus ये कितना आ गया, चलो 4 20 आ गया, अपॉन ये कितना आ जाएगा, 4 12 plus 4 15. minus 1 ये नीचे 15 बन गया, ऊपर 25 बन गया, यानी कि x equals to इसके लिए आ रहे हैं नहीं, ये से आ रहा है, तो ये आ गया आपका 5/3. ठीक है, अगर ऐसा आ रहा है तो आप बोलोगे जो इस पॉइंट को अपने को रखना चाहिए नहीं. यस सर. तो अगर इस पॉइंट को अपन रखे तो sin t का वैल्यू क्या आ रहा है, 5/6. तो sin t equals to क्या हो जाएगा, 5/6 आ जाएगा नहीं, तो इसको भी इंक्लूड करना चाह रहे हो तुम, sin इनवर्स 5/6 इंक्लूडेड होगा तो मतलब क्या बोले, 54 डिग्री से बड़ी वैल्यू के लिए आएगा तो मतलब इसके बीच बोल रहे हो, इसके बीच आएगा, आएगा वो फर्स्ट पार्ट में भी आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा तो फिर इसको अपन क्यों नहीं इंक्लूड करें, या फिर इंक्लूड हो चुका है वो, मैं तो कह रहा हूं कि इंक्लूड हो चुका है सर, वो इंक्लूड हो चुका है ये इसमें, देखो तो नहीं बताओ, ये इंक्लूड हो चुका है ना. यस सर. इसमें तो इसका आंसर क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है ना. हेलो. यस सर. चलो इसके बारे में बात करते हैं अपन, ये सबको समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना. हाँ इसके बारे में बात करते हैं, ये भी आपने देखा होगा जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ा होगा तो ये वाला आया था एक्सप्रेशन कभी ना कभी. यस सर. ठीक है, इसको सिंपल सा सबसे पहले मुझे ये बता दो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सबने पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है. सोचो अगर मैं इसको थीटा बोल दूं, इसको ए बोल दूं, ये बी बोल दूं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसको क्या बोलोगे, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा बोलोगे. अगर मैं सोचूं चलो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, इस बार इसको बी बोल दिए, इसको ए बोल दिए, इसको क्या बोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कह सकते हो. यस सर. कह सकते हो. इसमें बताओ cos थीटा क्या आएगा, cos थीटा क्या आएगा, b / √a² + b² a² + b² होगा, और यहां से sin थीटा क्या होगा भाई, क्या a / square root of a² + b² होगा, और इसमें देखो तो cos थीटा क्या हो जाएगा, a / square root of a² + b² और साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे अपने को ये ए और बी है, तो अगर मैं इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या चाहिए अपने को, देखो तो क्या इससे डिवाइड करना पड़ेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, ऐसा करना पड़ेगा साइन कॉस में कन्वर्ट हो पाएगा. तो हमने क्या किया इस वाले एक्सप्रेशन को, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा भाई, तो ए अपॉन क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स. क्लियर है सबको ये वाला पार्ट. अब सोचो इसको क्या बोल सकते हो आप, इस वाले में देखो तो इसको cos थीटा बोल दे, उस वाले में देखेंगे तो sin थीटा बोल दे, ऐसा है. यस सर. ऐसा है.
चलो अपन ऊपर वाले को अभी फॉलो कर लेते हैं, ठीक है ना, या फिर जो बोलोगे आप वो कर लेंगे, ऊपर या नीचे, नीचे वाला कर लेते हैं, फिर ऊपर वाला भी लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको आप क्या बोल दोगे, क्या ये कॉस थीटा इंटू साइन एक्स प्लस, क्या यहाँ पे ये साइन थीटा इंटू कॉस एक्स बोलोगे? यस सर, यस चलेगा। अब ये अंदर वाला देखो तो किसके इक्वल होगा, साइन एक्स प्लस थीटा, बिल्कुल। तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या ये साइन एक्स प्लस थीटा आया, और देखो तो ये किसके इक्वल था, इसी के इक्वल है ना, वही से आया है ना, यस सर, और ये दोनों इक्वल है। अगर हमसे इसका रेंज पूछा जाए तो क्या मैं इसका रेंज फाइंड करूंगा, उसी के इक्वल आएगा ये इसका रेंज, यस सर, और इसका रेंज तो फाइंड करना आप फर्स्ट क्लास में सीखे थे, याद करो, जो सर साइन ऑफ एनीथिंग जो होगा ना वो कहाँ से कहाँ तक होता है, क्या वो माइनस वन टू वन होता है, ऐसा होता है। अगर इसमें अपन किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दे तो इनक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। तो क्या अपन बोल सकते हैं, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस थीटा लेस देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है सबको? Yes. ऐसा बोल देंगे, यानी कि ये जो है किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, यानी कि अभी जो तुमने देखा है वो क्या देखा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसके प्लेस में क्या इसको फिट कर दे, क्या अपन बोल सकते हैं, जो यहाँ से ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ये क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या आप ऐसा बोलोगे? यस। हाँ, और सब सो रहे हो क्या क्लास में? अरे ऑनलाइन क्लास है, जब तक तुम एक्टिव नहीं रहोगे तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं रहेगा, पढ़ लो, ठीक है, ऐसा बोलेंगे अपन? Yes. हाँ, तो यहाँ से आपको क्या मिला, रेंज जो होगा इसका ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का, ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होगा, चलेगा। अब सोचो अगर कोई बच्चा बोलता सर मैं यहाँ पे इसमें ना कन्वर्ट करके अगर मैं कॉस में कन्वर्ट करता तो कुछ अलग होता क्या रेंज? नो सर, नो सर, उसको ये क्या बोल देता है, साइन थीटा, यस सर, इसको क्या बोल देता वो, कॉस थीटा। अगर ऐसा बोलता तो देखो तो उसको क्या दिखता, क्या ये स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू और फिर से आप क्या बोलते, ये आपने किसको बोला है, ए साइन एक्स प्लस को, ऐसा है। अब इसका भी रेंज तुम फाइंड कर सकते हो, तुम बोलोगे सर कॉस के बारे में भी तो हमें पता है, बिल्कुल सही पता है आपको, cos x माइनस थीटा भी क्या होता है आपका ग्रेटर देन माइनस वन लेस देन इक्वल्स टू वन, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस एक्स माइनस थीटा जो होगा क्या ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ऐसा होगा, वही सेम चीज आएगा। तो अभी जो अपन सीखे हैं वो क्या क्या सीखे हैं, एक बार फटाफट मुझे बता दो, जो a साइन x प्लस बी कॉस x को अपन क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन x प्लस थीटा, और क्या लिख सकते हो भाई, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस कॉस
x माइनस थीटा ऐसा, और इसका जो रेंज आपने सीखा है वो रेंज क्या आया आपका, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होगा, ऐसा चलेगा। तो अब अगर अपने को इसका रेंज पूछेगा तो फट से बता देंगे, यहाँ पे ए की जगह पे सोचो वन दे दिया और बी की जगह पे थ्री दे दिया, क्या बता पाओगे आप रेंज क्या होगा? Yes, sir. हाँ सिंपल सा होगा, लेकिन इसमें एक चीज आप ऑब्जर्व करो, जो ऐसा तब कर पा रहे हैं जब यहाँ पे भी इसका आर्ग्यूमेंट क्या है, मतलब यहाँ पे भी एक्स है यहाँ पे भी एक्स है, ऐसा है क्या ये हर जगह है? ठीक है ना, अपने को देखना पड़ेगा ये कहाँ कहाँ पे वैलिड है। तो यहाँ पे देखो इसका जो आर्ग्यूमेंट है ये भी इस इन दोनों का आर्ग्यूमेंट क्या सेम है? Yes, sir. और ये जो होना चाहिए x जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यानी कि एक पीरियड में कम से कम तो होना ही चाहिए। इन दोनों का पीरियड देखो तो कितना कितना है, साइन का क्या है 2π। तब वैलिड होगा जब x अपना क्या हो, x अपना एटलीस्ट एक पीरियड कवर कर रहा हो, यानी कि 0 to 2π हो या फिर 2π to 4π, मतलब जहां से भी अपना दिया रहे a टू b, तो a टू b कितना हो, एटलीस्ट 2π के इक्वल हो, तभी जाके अपन ऐसा बोल सकते हैं। समझे क्या? Yes, sir. तो ये वाला पॉइंट अपने को ध्यान रहना है, अगर डोमेन रेस्ट्रिक्टेड नहीं है तब अपन अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर अपने को एक चीज और भी देखते हैं, आर्ग्यूमेंट दोनों का सेम होना चाहिए और वो जो लेंथ कवर करना चाहिए वो कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 2π होना चाहिए, तब जाके अपन डायरेक्ट बता देंगे भाई रेंज ले लो तुम ये, अगर रेस्ट्रिक्टेड होगा तो अभी आगे देखेंगे। चलो फटाफट बता दो, तो अगर तुमसे पूछा जाए y इक्वल्स टू 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस 10, इसका रेंज क्या होगा? -5 to 15। सबसे पहले इसका रेंज फाइंड करोगे? यस सर। इसका रेंज कहां से कहां तक सर? इसका रेंज होगा सर -5 से प्लस। बिल्कुल सही है, 3² + 4² ऐसा होगा, यानी कि ये कहां से कहां तक आ गया, -5 to 5 आ गया। और प्लस 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या ये 5 to 15 आएगा, ऐसा हो जाएगा, सिंपल है ना? यस सर। चलो इसी में और एक दो सिंपल सवाल सब देख सकते हो या फिर आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। अगर डोमेन रेस्ट्रिक्टेड होगा, अगर डोमेन रेस्ट्रिक्टेड होगा तो क्या करेंगे, सोचो। इसने बोल दिया इसी क्वेश्चन में जो, चलो यार आपका आप रेंज बता दो, y इक्वल्स टू 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस 10, वेयर x बिलोंग्स टू, अपने को दे दिया -π/2 to π/2, ऐसा दे दिया, बस इतने में अपने को रेंज बताना है। क्या यहाँ पे डोमेन रेस्ट्रिक्टेड है? है? Yes, sir. है, वो कहां से कहां तक है, -π/2 से लेके π/2 है, इसी के बीच में बात करना है। थीटा का एंगल थीटा निकाल लेंगे। Yes, फिर उसी को x में ऐड कर देंगे। सबसे पहले तो इसको सिंपलीफाई करोगे, से डिवाइड और मल्टीप्लाई करें, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर यानी कि स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, 5 के इक्वल होता है, तो यानी कि 5 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और 5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ऐसा होगा। यस सर। प्लस 10, अब सोचो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अगर कॉस, इसको कॉस बोल देते हैं, इसको अपन साइन, चलेगा, कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। नहीं है, चलेगा। तो अब सोचो यहाँ पे आ गया 5 और हमने बोल दिया इसको कॉस थीटा इंटू साइन थीटा साइन एक्स प्लस यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस एक्स प्लस 10, तो इसको क्या बोल दिया जाए भाई, तो क्या ये साइन एक्स प्लस थीटा होगा? यस सर। होगा, और यहाँ पे जो थीटा है वो तुम्हारा क्या है, तुमने जो थीटा बिल्कुल साइन थीटा इक्वल्स टू तुमने बोला है 4/5,
तो थीटा क्या हो जाएगा ये मिल मतलब इसके बारे में तो जानते होगे, बहुत बार यूज हुआ होगा फिजिक्स में, तो 53 डिग्री। तो थीटा इक्वल्स टू अपन क्या बोल सकते हैं 53 डिग्री। अब सोचो ये इतने में आ गया, अब क्या किया जाए, x प्लस थीटा की रेंज निकालेंगे। बिल्कुल सही। तो x प्लस थीटा कहाँ से, तुम्हारा x जो है वो गिवन कहाँ से कहाँ तक है, ग्रेटर देन माइनस पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू, लेस देन पाई बाय टू है, ठीक है। और थीटा, थीटा अपने को पता है थीटा क्या भाई, 53 डिग्री। तो क्या इसमें थीटा ऐड कर दें, x प्लस थीटा, तो इधर भी क्या होगा पाई बाय टू प्लस 53 डिग्री, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस पाई बाय टू प्लस 53 डिग्री। ऐसा बोलोगे आप? यस यस सर। अब सोचो ये एनीथिंग बोल दो, इसको एनीथिंग बोल देते हैं, चलो माइनस पाई बाय टू प्लस 53 डिग्री और पाई बाय टू प्लस 53 डिग्री। और साइन ऑफ एनीथिंग का ग्राफ तो ड्रॉ करना आता है आपको? यस सर बिल्कुल आता है, कर दो साइन का ग्राफ ड्रॉ। y एक्सिस x एक्सिस, ऐसा बन गया ये, हमने बोल दिया चलो x एक्सिस की जगह पे यहाँ पे a लिख देते हैं एनीथिंग, y इक्वल्स टू साइन ऑफ एनीथिंग, ऐसा है। अब देखो तो इसको इनपुट जो दे रहे हो वो कहाँ से कहाँ तक दे रहे हो, माइनस पाई बाय टू प्लस 53, क्या ये यहाँ पे होगा कहीं, सोचो माइनस 37 डिग्री। हाँ 37, माइनस 37 डिग्री पे ऐसा होगा यहाँ पे, और ये बोला पाई प्लस 53, ये कहीं कहीं यहाँ पे होगा, यस सर पाई बाय टू प्लस 53। और अपने काम का ग्राफ क्या है, ये वाला पार्ट है क्या? यस सर यस। तो जो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे, और मैक्सिमम क्या यहाँ पे पाई बाय टू पे मिलेगा, पाई बाय टू पे, यस सर यस सर। तो क्या अपन बोल सकते हैं जो यहाँ पे अगर साइन ऑफ एनीथिंग लगा दे तो मिनिमम क्या मिलेगा भाई, माइनस 53, साइन ऑफ 53 बोल रहा हूँ 37, तो क्या माइनस साइन ऑफ 37 बोलोगे, और इधर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और इसका वैल्यू बताओ किसका होगा, 3 बाय 5। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे माइनस 3 बाय 5 टू कितना आ गया, 1 आया, बोलो यस सर चलेगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे, अगर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, माइनस 3 to 5, यानी कि 5 साइन x प्लस थीटा जो होगा क्या वो माइनस 3 to 5 हो जाएगा, यस सर। प्लस 10 कर दो, इधर भी प्लस 10 कर दो, इधर भी प्लस 10 कर दो। अब देखो y कहां से कहां, 7 to 15। तो इस क्वेश्चन को अपन ऐसे करेंगे सॉल्व, आया सबको समझ में? यस सर यस सर। चलो अगर आ गया, चलो इसको फटाफट लिखो, तो सब तुम लोगों ने कॉम्प्लेक्स का तो मॉड्यूल पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लिया है ना? यस सर। चलो ठीक है, आज मैं आप लोग को मैसेज कर दूंगा वैसे ग्रुप पे, आपको एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन भेजना है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स आपने नोट्स भी बनाया होगा कॉम्प्लेक्स का? यस सर, लेक्चर नोट्स, ठीक है। सर रेंज भी देंगे टेस्ट में, सर ये जो सब पढ़ा रहे हैं। हाँ पिछले क्लास में जितना आया था ना, जितना पढ़े थे ना उतना तक आएगा, आज वाले क्लास का नहीं आएगा। और रेंज का असाइनमेंट भी मिलेगा आपको, मॉड्यूल तो सॉल्व करना ही है और रेंज का कुछ क्वेश्चन। रेंज बहुत इम्पोर्टेंट है यार, आगे बढ़ोगे तो पता चलेगा।
क्वेश्चन बैंक में देखोगे तो इनटू और ऑनटू फंक्शन के बारे में बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। इनटू और ऑनटू इसके बिना अपन फाइंड ही नहीं कर सकते हैं। ऑनटू फंक्शन होता है अगर रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन हो जाए, और इनटू होता है अगर प्रॉपर सबसेट हो कोडोमेन का, तो रेंज प्रॉपर सबसेट हो कोडोमेन का तो फिर क्या कहलाएगा, इनटू कहलाएगा। क्या वहां पर रेंज आ रहा है, यानी कि रेंज आपको फाइंड करना ही पड़ेगा। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो तो फटाफट। माइनस नो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है, जीरो टू पाई बाय टू, अभी तक रेंज सबको समझ में आया ना, रेंज जो पढ़े हो आप। ये चलो कौन बताएगा, पूछता हूं मैं ना। 5 से 7 प्लस रूट 3 ओके, चलो अनुसिका शुक्ला, हेलो अनुसिका, अनुसिका क्लास में नहीं हो तुम, बच्चा सब घटना स्टार्ट हो गया। अब क्या यार तुम लोग कैसे जबरदस्ती लगता है पढ़ने के लिए बिठाया जाता है तुम लोगों को। हाँ चलो बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले से 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई। चलो बसर, हेलो बसर, सबका माइक तो सही है, शो कर रहा है। चलो बसर बताओ तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अभी तो जस्ट बताया गया है, पहले भी आपने पढ़ा है ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में। सर माइनस रूट थ्री प्लस 7 टू 8। हाँ बसर कैसे होगा ये सॉल्व? यस सर। हाँ बताओ कैसे करेंगे सॉल्व। सर एक मिनट सर, हम कर के तार नहीं, प्रोसीजर बता दो मैं कर लूंगा तुम्हारे साथ, क्या किया जाए बताओ। बोलो मैं लिखूंगा। क्या हुआ? सर मेरा सर थोड़ा नेट से चला गया था ना सर बीच में सर, तो समझ से नहीं आ रहा था। ओके तो फिर आपने बोला सर ये फिर से समझा दो। सर बस अभी सर सर आवाज आई सर थोड़ी, सर ना सर भी ब्लड था सर। किस किस से सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन? यस सर हो गया, एक से दो तीन चार से सॉल्व हुआ है। ओके दस से, चलो सिलेक्शन का रेशियो ऐसा ही रहता है। चलो देखते हैं, आप सीरियस नहीं होगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है ना। जब आप सीरियस नहीं हो तो कोई क्या कर लेगा बताओ, कुछ नहीं कर सकते। हम खुद ही नहीं चाहते अपना मतलब पढ़ना, तो कैसे कोई पढ़ा देगा, हो ही नहीं सकता है। चलो इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ए के प्लेस पे देखो क्या है, यहाँ पे वन है, बी के प्लेस पे क्या है, माइनस रूट थ्री है। तो अब बताओ स्क्वायर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? क्या बोलोगे? ये वन प्लस थ्री बोले तो टू होगा। इसी से अपन डिवाइड कर देते, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अपन इसके बारे में पहले बातें कर रहे हैं, साइन एक्स माइनस रूट थ्री कॉस एक्स के बारे में बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे तुम मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे टू हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखोगे? वन बाय टू साइन एक्स माइनस रूट थ्री बाय टू कॉस एक्स, ऐसा होगा। अब इसको देख के कुछ ना कुछ तो ख्याल आ रहा होगा, ये क्या है? 60 डिग्री पाई बाय 3 cos 60। क्या ये cos पाई बाय 3? बहुत बढ़िया। और ये sin x, और इसको क्या लिख देंगे? sin पाई बाय 3 cos x, ऐसा है। अब बताओ इसको क्या लिखा जा सकता है? क्या ये sin x माइनस पाई बाय 3 बोल दें इसको? यस सर, बोल देते हैं। ये हमने इसको बोला है, अभी यहाँ से अपन आए हैं, ये है अपना साइन एक्स माइनस रूट थ्री कॉस एक्स, ऐसा है। चलो अब आप बताओ क्या किया जाए। यहाँ पे एक्स अपना रिस्ट्रिक्टेड है, या तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना आता है, फट से ग्राफ ड्रॉ कर दोगे तो सर इसका जो ग्राफ होगा वो राइट हैंड साइड शिफ्ट कर जाएगा कितने से? पाई बाय थ्री से। एक्स को रिप्लेस करते थे एक्स माइनस ए से, ए आपका पॉजिटिव होता तो पूरा ग्राफ क्या होता था? राइट साइड शिफ्ट करता था ए यूनिट से, याद होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो। यस सर। नहीं पता है तो कोई बात नहीं। एक्स अपना क्या है यहाँ पे? क्या ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, लेस देन इक्वल्स टू पाई बाय टू है? अब सोचो यहाँ पे एक्स माइनस पाई बाय थ्री है तो पाई बाय थ्री माइनस कर दो, यहाँ पे पाई बाय थ्री माइनस कर दिए, इधर भी पाई बाय थ्री माइनस कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स माइनस पाई बाय थ्री कहाँ से कहाँ तक होगा? क्या ये माइनस पाई बाय थ्री टू पाई बाय सिक्स होगा? ऐसा होगा। क्या ये क्लियर है सबको? यस सर। चलेगा। अब सोचो अगर साइन को अपन यहाँ पे रख दें तो क्या होगा? चलो साइन एनीथिंग बोल देते हैं इसको, और इसका ग्राफ एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना वैल्यू देगा। सोचो तो साइन ऑफ एनीथिंग का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं कहां से कहां तक, तो माइनस पाई बाय थ्री से लेके पाई बाय सिक्स। तो इसमें जो आपने इनपुट रखा है वो इनपुट कहां से कहां तक रखा है देखो, तो माइनस पाई बाय थ्री कहीं यहां पे होगा, और क्या है पाई बाय सिक्स है, पाई बाय सिक्स यहां पे कहीं होगा। तो माइनस पाई बाय थ्री पे साइन क्या देता है आउटपुट? माइनस रूट थ्री बाय टू देगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ से ये क्या आ जाएगा? माइनस रूट थ्री बाय टू टू वन बाय टू होगा। क्या ये सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो सोचो अगर इसके इक्वल बनाना है तो क्या अपने को टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें? यस सर, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर दो यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी टू, यहाँ पे भी टू। अब देख लो आपका क्या आ गया, और ये किसके इक्वल है? ये वाला इसके इक्वल है, देखो तो। यस सर, रख दो वहां पे। तो ये यहां से क्या आ जाएगा? साइन एक्स माइनस रूट थ्री कॉस एक्स, और ये आ गया आपका माइनस रूट थ्री टू वन आ गया। अब क्या किया जाए? प्लस सेवन करना पड़ेगा, इधर ही प्लस सेवन कर दो, इधर ही प्लस सेवन कर दो, इधर ही प्लस सेवन कर दो। तो अब बताओ वाई आपका कहां से कहां आ गया? सेवन माइनस रूट थ्री टू एट आएगा। क्या यही रेंज आएगा आपका? यस सर। सिंपल से और इजीली कर सकते थे अगर हम ये देखते कि सर ये फंक्शन कंटीन्यूअसली इंक्रीज करेगा 0 से पाई बाय 2, तो फिर से हम 0 और पाई बाय 2 पे वैल्यू टेस्ट कर लेते। बिल्कुल कर लेते, लेकिन उससे साइन का तो आना चाहिए ना ग्राफ सबको, जो कहां से क्या इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। यस सर, हम वैसे सोच सकते हैं या फिर डिफरेंशियल से कंपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल, अब सोचो ना यहां से तुम डायरेक्ट भी सोच सकते हो, तो ग्राफ डायरेक्ट ड्रॉ कर लेते, क्या हो जाएगा? पाई बाय 3 राइट साइड शिफ्ट कर जाएगा। यस सर, करेगा और इनपुट यहां से यहां, देख लो क्या होगा, खत्म। तो स्टार्टिंग में टेस्ट कर लेते, बस 0 पाई बाय 3 पाई बाय 2 ही टेस्ट करना होता। चलो ये समझ में आया सबको? बोलो। यस सर। यस सर। हाँ चलो ये वाला क्वेश्चन करो, तो कैसे होगा?
ये वाला क्वेश्चन करो कैसे होगा। इस क्वेश्चन में कुछ चलो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करो। यहाँ पे ये रूट फाइव है, इसको हटाओ, रूट फाइव है क्या अंदर से बाहर आते थे? बाहर जाते थे, कंपोजिट फंक्शन है। तो सोचो यहाँ पे y इक्वल्स टू आपका क्या है, log, बेस क्या है आपका रूट फाइव, और यहाँ पे ये रूट टू साइन x माइनस कॉस एक्स प्लस थ्री है। अंदर से बाहर आएंगे कंपोजिट फंक्शन का रेंज फाइंड करने के लिए, ठीक है ना? ऐसा है। चलो सबसे पहले अंदर वाले का बताओ रेंज क्या हो जाएगा। इस वाले का, इस वाले का डोमेन पे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्यों नहीं है? yes, ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो चलो तुम बोलोगे इसका लिस्ट वैल्यू भी क्या होगा, माइनस टू माइनस रूट टू। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, माइनस टू। बगल में यहाँ पे उससे बड़ा वाला बैठा हुआ है, क्या इसका डोमेन जो है क्या वो x belongs to R है? यस सर है, यानी कोई दिक्कत है ही नहीं। तो सबसे पहले अगर डोमेन x belongs to R है तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, साइन x माइनस कॉस x के बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या ये माइनस रूट टू टू रूट टू होगा? Yes, sir. ऐसा बोलोगे। अब सोचो ऐसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रूट टू से अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो रूट टू से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। सर माइनस रूट टू टू रूट टू क्यों होगा सर? ए के प्लेस पे देखो तो क्या है, यस सर वन वन है। बी के प्लेस पे, यस सर यस सर, समझ आ गया सर। हाँ, और सबको आया कि ऐसे ही बस देख रहे हो तुम लोग? आ गया, चला आ गया। हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक होगा। अब सोचो इसमें क्या प्लस थ्री, चलो सबसे पहले तो रूट टू से मल्टीप्लाई कर दो। तो रूट टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ये क्या हो जाएगा, क्या ये माइनस टू 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 होगा? ऐसा बोलोगे क्या प्लस थ्री कर दिया जाए, यहाँ पे भी प्लस थ्री, यहाँ पे भी प्लस थ्री, यहाँ पे भी प्लस थ्री। अब देखो ये क्या आ जाएगा, रूट टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस थ्री जो होगा, इधर क्या लिखोगे वन और इधर क्या लिखोगे फाइव लिखोगे, ऐसा होगा। अब सोचो लॉग जो है इस पे लॉग अप्लाई करना है, क्या लॉग अपना इंक्रीजिंग है, क्योंकि बेस जो है इसका कहां से कहां तक है, सॉरी कहां से कहां तक, बेस क्या है इसका रूट फाइव है, क्या ग्रेटर देन वन है? अगर ग्रेटर देन वन होता है लॉग जो होता है वो इंक्रीजिंग वाला होता है। Yes, तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे log of, log अप्लाई कर देते हैं inequality के साइन पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेस क्या है भाई आपका रूट फाइव है, और यहाँ पे इसको लिख दो रूट टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस थ्री, और इधर क्या आ जाएगा log वन टू रूट फाइव, यहाँ पे log अप्लाई कर दिए, और राइट साइड में क्या हो जाएगा log फाइव टू द बेस रूट फाइव होगा। ऐसा बोलोगे क्या आप? Yes sir. Yes sir. अब log one to the base root five कितना होता है? Zero. और बीच वाला क्या y बन गया? Yes. तो ये greater than equals to zero और less than equals to two होगा? Yes sir. Yes. होगा, यानी कि b option correct है? Yes. समझ में आ गया सबको? Yes sir. ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन होगा, उस पर क्या कार्य करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी समझ में आ गया आपको। अगर अपना 2 पाई एटलीस्ट दिया है, मतलब डोमेन का पार्ट कवर किया है, तो डायरेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, अब अपन बात करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में। ये वाला लिखना चाहोगे, हो गया सबसे सॉल्व ये वाला? यस सर। यस सर। अब सिंपल सी बातें करते हैं, जो अगर अपने को पता करना होगा कोई फंक्शन
किसी पॉइंट पे अपने को पता करना होगा जब भाई वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा होगा, ठीक है ना। इतना तुम फिजिक्स में भी पढ़ चुके होगे, लेकिन थोड़ी बातें करेंगे यहाँ पे। अब सोचो किसी कर्व पे अपने को पता करना पड़ेगा, पता करना हो किसी पॉइंट पे वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग टाइप का है, कैसे करेंगे। अगर उस पॉइंट पे अपन स्लोप ड्रॉ करें, स्लोप बोल रहे हैं, चलो ये साइन एक्स ले लेते हैं, वाई इक्वल्स टू साइन एक्स ले लेते हैं। सिंपल सा समझना, आप ट्राई करना, वाई इक्वल्स टू साइन एक्स के बारे में बात कर लेते हैं। साइन एक्स का ग्राफ तो सबको पता होगा, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ऐसा होता है sin x का ग्राफ। यस सर, यस सर, ऐसा होता है। अब चलो हमें देखना है जो ये पाई बाय थ्री पे, वैसे अगर तुम सबसे पहले तो ऑब्जर्व करके देखो, ये तुम्हारा पाई बाय टू है और यहाँ पे तुम्हारा क्या है, माइनस पाई बाय टू है, और ये वाला तुम्हारा क्या है, 3 पाई बाय 2। अब एक चीज दिख रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में अपन पहले भी बात कर चुके हैं, एक बार एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़े थे तो हमने बोला था इंक्रीजिंग क्या होता है, जब x का वैल्यू बढ़े साथ ही साथ y का भी वैल्यू बढ़े तो फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाता है, अगर x का वैल्यू बढ़ रहा है और y घट रहा है तो फंक्शन डिक्रीजिंग कहलाता है, ऐसा है। अगर इसमें देखो साइन वाले में तुम क्या माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू में वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैल्यू बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या इस इंटरवल में फंक्शन ये इंक्रीजिंग है? यस सर, इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल में फंक्शन ये इंक्रीजिंग है, ठीक है, यहां से लेके। अब देखो जो पाई बाय टू से लेके थ्री पाई बाय टू में क्या हो रहा है, एक्स का वैल्यू तो बढ़ रहा है धीरे धीरे, वाई धीरे धीरे घट रहा है क्या? यस सर, ये इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, ये तो तुमको ग्राफ पता था इसलिए ऐसा बोल दिया। अगर ग्राफ नहीं पता होता तो कैसे बताते, अगर हमें पूछा जाता डिफरेंस स्लोप से, अगर ये इंक्रीज कर रहा है, देखो एक बार और अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, इसके बीच में कोई सा भी पॉइंट लो और वहां पे एक बार टेंजेंट ड्रॉ करो, तो कोई सा ही पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, चलो ये हमने ले लिया, तुमको बोल दिया जो चलो पाई बाय सिक्स है, ऐसा है। अब सोचो यहाँ पे अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट कैसा दिखेगा, क्या टेंजेंट कुछ इस टाइप का आएगा, बताओ? यस सर, ऐसा आएगा। तो इस टेंजेंट का अगर तुमसे स्लोप पूछा जाए तो स्लोप क्या बताओगे सर, ये जो एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा ये थीटा एंगल, तो क्या अपन इसका स्लोप बोलेंगे यहाँ पे एम t equals to tan theta, और ये theta जो तुम्हारा है क्या ये less than pi by 2 है? Yes sir. Yes sir. तो क्या ये तुम्हारा positive आएगा? Yes sir. Positive आएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब सोचो एक चीज, यहाँ minus pi by 2 से लेके pi by 2 में कहीं पे भी अपन tangent draw करें, क्या उन सारे tangent का slope positive होगा? आप देखोगे कहीं पे भी, सोच लो यहाँ पे हमने बोल दिया चलो यहाँ ले लेते हैं, इसको अपन बोल देते हैं चलो 2π/3 बोल देते हैं, ऐसा है। अब सोचो यहाँ पे अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट क्या होगा, देखो तो So more than 90. स्लोप नेगेटिव होगा। अपन जो एंगल मेजर करते हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, यानी कि ये थीटा जो होगा क्या ये ग्रेटर देन पाई बाय 2 होगा, तो क्या इस पे अपन बोलेंगे जो MT जो होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा वो टेन थीटा होगा और ये क्या नेगेटिव होगा? यस सर, ऐसा होगा। बातें समझ में आ रही है सबको? यस सर, आ रही है। यानी कि अगर इंक्रीजिंग वाले में अपन देखें तो इंक्रीजिंग वाले में क्या हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, डिक्रीजिंग वाले में क्या होगा तो स्लोप नेगेटिव आएगा। क्या ये बातें सबको क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? नो, नहीं है ना? नो। अब तुम फिजिक्स में पढ़े होगे जो अगर अपने को स्लोप किसी पॉइंट पे फाइंड करना होता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो dy / dx निकाल लो, कितना आ गया, cos x आया,
cos x आया। अब सोचो तुम पाई बाय 6 पे पता करना चाह रहे थे, x equals to at x equals to पाई बाय 6, तो यहाँ पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा क्या अपन बोलेंगे, ये dy अपॉन dx में भाई आप रख दो x equals to पाई बाय 6, ऐसा बोलोगे, यानी कि क्या ये cos पाई बाय 6 होगा, और इसका वैल्यू बताओ कितना आएगा, क्या ये ग्रेटर देन 0 है? Yes, yes, sir. ऐसा है, यानी कि किसी पॉइंट पे अपने को मतलब कर्व के किसी पॉइंट पे टेंजेंट अपन ड्रॉ कर रहे हैं और उसका स्लोप हमें फाइंड करना होगा, तो क्या ऐसे कर सकते हैं? Yes, sir. अरे तुमने पढ़ा होगा ना वेलोसिटी वाला, मतलब अगर एसटी का ग्राफ हो, अगर एसटी का जो ग्राफ होता है उसमें जो उसका स्लोप अगर अपन देखें, जैसे ग्राफ ऐसा है तो अपन पता करते हैं अगर जब भी ये इंक्रीज कर रहा है यानी कि वेलोसिटी बढ़ रहा है, याद आया कुछ? यस सर, यस सर। ठीक है, जैसे वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ देख लो vt का, तो उसमें क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ रहा है यानी कि एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, और एक बार ऐसे करके पीक पे आता है, वहां पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, या पूरा वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल बन जाएगा ऐसा, यानी कि पैरेलल टू t एक्सिस वैसा हो जाएगा, तो वहां पे बोलते हैं एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। यस सर। हां तो ये उससे थोड़ा रिलेट कर लो जो तुम पढ़ चुके हो, तो अगर अपने को पता करना हो जो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है उस पॉइंट पे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, और जिस पॉइंट पे अपने को पता करना होगा वो पॉइंट अपन रख देंगे। जैसे अपने को पाई बाय 6 पे फाइंड करना था जो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, डिफरेंशिएट किए और इसमें अपन पाई बाय 6 रख दिए, कितना आया, पॉजिटिव आया, तो क्या अपन बता पाएंगे भाई वहां पे इंक्रीज कर रहा है, ऐसा बोलोगे आप? यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया। अब सोचो अगर यहाँ पे 2 पाई बाय 3 पे देखना है, देखो ये डिक्रीज कर रहा है, तो y इक्वल्स टू क्या है आपका, साइन एक्स है, इसको डिफरेंशिएट करो, dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, क्या ये cos x होगा, और आप फाइंड करना चाह रहे हो कहाँ पे, एट x इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3, तो बताओ 2 पाई बाय 3 पे क्या आएगा भाई, ये क्या ये -1/2 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, तो क्या बोलोगे यहाँ पे डिक्रीजिंग होगा, देख लो डिक्रीजिंग जैसा दिख भी रहा है क्या अपने को? Yes. Yes, चलेगा। अगर तुम पाई बाय 2 पे देखो तो क्या आ रहा है, क्या ये पूरा ऐसा आ रहा है, कांस्टेंट है, मतलब ऐसा स्लोप जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा पाई बाय 2 पे, इसी में पाई बाय 2 रखोगे 0 आएगा। Yes, sir. ऐसा है, यानी कि तुमने डिफ्रेंशिएट किया और रखा पाई बाय 2, ये वाला लाइन, यानी कि डिफरेंशिएट यानी कि dy अपॉन dx जो आया वो आपका आ गया cos x के इक्वल, और इसमें x इक्वल्स तो तुमने पाई बाय 2 रखा, क्या ये 0 आया, यहाँ पे जो स्लोप होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या वो 0 आएगा, बताओ? यस सर, ऐसा आएगा। ठीक है, एक चीज और देखें अच्छे से, मजेदार बातें इसी में, ये बहुत काम आएगा जो अभी पढ़ रहे हो ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, चलो इतने में अपन अगर बातें करें तो कहां कहां जो है ये स्लोप 0 हो रहा है, कहां कहां पे स्लोप 0 हो रहा है, ये वाई ऑल मल्टीपल्स ऑफ पाई साइन एक्स का है, और dy / dx जो आपने फाइंड किया वो किसके इक्वल आया, cos x के इक्वल आया, तो देखो इस ग्राफ में क्या यहां पे स्लोप 0 आ रहा है? यस सर, यानी कि यहां पे तुमने बोला जो mt = 0 होगा, यहां पे 0 आ रहा है, टेंजेंट जो होगा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तो क्या यहाँ पे भी mt equals to 0 आ रहा है, यहाँ पे भी mt equals to 0 आ रहा है, थोड़ा सा और अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। इधर देखो फंक्शन अपना डिक्रीज कर रहा है क्या, इधर देखो तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 से छोटा में ये क्या डिक्रीजिंग है, और इधर क्या फिर ये इंक्रीजिंग हो रहा है। yes. यानी कि यहाँ पे भी इंक्रीजिंग है, और फिर देखो इधर क्या डिक्रीजिंग है,
और फिर ये इंक्रीजिंग। अब एक चीज ऑब्जर्व करो, तो अगर इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग जा रहे हैं तो क्या यहाँ पे अपने को लोकल मैक्सिमा मिल रहा है? लोकल मैक्सिमा मतलब आसपास वाले से बहुत ज्यादा वैल्यू, ऐसा है क्या? यस सर। लोकल मैक्सिमा ऐसा सोच लो जैसे तुम्हारे क्लास में इतने स्टूडेंट है सीएमएस में, एक कोई जो है वो टॉप कर रहा है, तो वो टॉप जो कर रहा है वो आसपास वाले से मैक्सिमम है ना, ऐसा तो नहीं पूरे इंडिया में का वो टॉपर है, ऐसा तो नहीं है, वो लोकल तुम्हारे आसपास वाले में से वो टॉपर है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे? लोकल मैक्सिमा। तो देखो यहाँ पे जो है क्या ये आसपास वाले से ज्यादा वैल्यू दे रहा है इस पॉइंट पे, बताओ? यस सर। यस, तो इसको अपन क्या बोल देंगे? लोकल मैक्सिमा। ठीक है, लोकल मैक्सिमा कब आया? जब इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग गए तब अपने को जहां पे जिस पॉइंट पे एम टी इक्वल्स टू जीरो था, यानी कि dy अपॉन dx जीरो था, क्या वहीं पे लोकल मैक्सिमा आया? क्या इसको बोलोगे जो एम टी यानी कि dy अपॉन dx इक्वल्स टू जीरो, क्या इस पॉइंट पे dy अपॉन dx जीरो है ना यार? dy अपॉन dx क्या होता है? स्लोप ही तो होता है, स्लोप जीरो है। यस सर। और इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? dy अपॉन dx अपना क्या ग्रेटर देन जीरो, यही बोलते हो ना? तो यस सर, ग्रेटर देन जीरो। डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? dy अपॉन dx लेस देन जीरो। तो तुमने देखा यार इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग में यहाँ पे लोकल मैक्सिमा मिलेगा। अब चलो एक चीज और देखो, ये धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, यानी कि स्लोप जो है इसका क्या है? dy अपॉन dx लेस देन जीरो, और यहाँ पे जीरो हो गया, फिर ये इंक्रीज कर रहा है, तो देखो तो इसमें क्या होगा? dy अपॉन dx क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा। तो देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, जहां पे जीरो हो रहा है, क्या यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिल रहा है? यस यस सर। इसको अपन क्या बोल देंगे? जो क्लास में तुम्हारे क्लास में सबसे कम नंबर लाता होगा उसको क्या बोल देंगे अपन? लोकल मिनिमा, समझे क्या? और लोकल मिनिमा कहाँ पे आया? dy/2 पे, क्या यानी कि यहाँ पे बोल सकते हो जो 3π/2 यानी कि यहाँ पे dy / dx अगर फाइंड करे तो ये जीरो आएगा, समझे? बोलो। यस सर। ठीक है, किस किस को समझ में नहीं आया? कोई है जिसको नहीं आया फिर से समझाएंगे, बताओ। मिनिमा बता दीजिए फिर से। मिनिमा बता दे, ठीक है। देखो सबसे पहले तुमने देखा इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग जा रहे हैं तो अपने को लोकल मैक्सिमा, अगर डिक्रीज धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग जा रहे हैं, यानी कि ये तुम्हारा स्लोप जो है ना धीरे धीरे घट रहा है, निगेटिव धीरे धीरे घट रहा है, फिर जीरो हुआ, फिर पॉजिटिव हो गया, तो जहां पे जीरो होगा ना वहां पे क्या मिलेगा अपने को? लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा मतलब यहाँ पे देखो क्या ये आसपास वाले से मिनिमम वैल्यू है? राइट साइड देखो, लेफ्ट साइड देखो, सबसे मिनिमम यही पे मिल रहा है 3π/2 पे, तो ये क्या हो जाएगा? लोकल मिनिमा हो जाएगा। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है, चलेगा। अब सोचो इसका यूज क्या होगा, अभी आगे बात करेंगे। अभी तुमको मैंने दो तीन चीजें सिखाने का ट्राई किया, अगर तुम्हें पता चलेगा मतलब कहीं पता करना हो किसी पॉइंट पे जो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, क्या करोगे? डिफ्रेंशिएट करोगे, वो पॉइंट रखोगे, अगर वो पॉजिटिव आया तो क्या बोलोगे आप? इंक्रीजिंग। डिफ्रेंशिएट किए वो पॉइंट रखे, अगर निगेटिव आए तो क्या बोलोगे आप? डिक्रीजिंग बोलोगे। यस हाँ, ऐसा है। अब सोचो दूसरा, हमने आपको ये बताया जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिखा दिया, जो चलो ये साइन है, आप इसमें देख भी सकते हो कहाँ पे इंक्रीजिंग है कहाँ पे डिक्रीजिंग है, वेरीफाई कर लो तुम। पाई बाय सिक्स पे देखो स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, डिफ्रेंशिएट किए पाई बाय सिक्स रखे पॉजिटिव आया, यानी कि इंक्रीज कर रहा है। 2π/3 रखे डिफ्रेंशिएट किए 2π/3 रखे निगेटिव आ रहे हैं, हाँ डिक्रीज कर रहा है, बात तो सही बोल रहे हैं हम। उसके बाद हमने ये बताना चाहा इसमें, इसके बारे में आगे बात भी करेंगे, अगर इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग है तो लोकल मैक्सिमा मिलता है, अगर डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग है तो लोकल मिनिमा मिलता है, ये बात है हमने बताया बस। किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलो। बिना ग्राफ के इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते? बिना ग्राफ बनाए, ये तो ग्राफ तुमको समझाए बस। मैक्सिमा में भी डिवाइड बाय dx जीरो है और मिनिमा में भी। हाँ बस, ऐसा थोड़ी ना हर एक का ग्राफ अपन ड्रॉ करेंगे, नहीं अभी तुमको समझाने के लिए साइन के लिए था y = sin x का, जो तुम्हें दिखे जो क्या हो रहा है एक्चुअल में। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे बिना ग्राफ पर?
डिफरेंशिएट करने के लिए ग्राफ की जरूरत थोड़ी ना है। देखो यहाँ पे अपने को पता करना था यहाँ पे पाई बाय सिक्स पे इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, तो क्या किए डिफरेंशिएट किए, पाई बाय सिक्स वैल्यू रखे, पॉजिटिव आया तो बता दिए इंक्रीज कर रहा है भाई वहां पे। अगर हमें यहाँ पता करना होगा डिफरेंशिएट किए पॉइंट रखे लेस देन जीरो आया बता देंगे डिक्रीजिंग है। ठीक है ग्राफ के हेल्प से तुम्हें दिखे इसलिए बनाया, आगे से नहीं बनाएंगे ना अपन। चलो अब अपन बात करते हैं अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो ए टू बी में, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो ए टू बी में तो कॉन्टिन्यूस ये नया नाम आया आपके सामने, तो ए टू बी में अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना तो अपने को पेन उठाना ना पड़े, मतलब पूरा ग्राफ ड्रॉ कर दे उसको अपन कॉन्टिन्यूस बोलते हैं, अभी इतना ही जान लो। ठीक है जैसे साइन जो है वो कॉन्टिन्यूस है एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, साइन का ग्राफ ड्रॉ करते हो तो कहीं पेन उठाने की जरूरत पड़ती है? नो सर। अब जैसे तुम सोच लो फ्रैक्शन पार्ट है, फ्रैक्शन पार्ट डिसकॉन्टिन्यूस है, ऐसे करते हो जीरो टू वन फिर वन पे तुम नीचे आ जाते हो तुम्हें पेन उठाना पड़ता है, तो क्या हर एक इंटीजर पे वो क्या है डिसकॉन्टिन्यूस है? कॉन्टिन्यूस का मतलब समझ में आ गया ए टू बी में? yes, मतलब समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है यानी कि एफ डैश ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो का मतलब क्या होगा, एफ एक्स अपना क्या है, क्या एफ एक्स अपना कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग होगा और साथ ही साथ कॉन्टिन्यूस होगा ए टू बी में, तो उसका जो रेंज होगा वो एफ ए टू एफ बी बोल देंगे। कैसे एक एग्जांपल अपन देख लेते हैं, जैसे मैं बात कर लूं y इक्वल्स टू e टू द पावर x, e टू द पावर x का अपने को रेंज फाइंड करना है वेयर x बिलोंग्स टू माइनस वन टू हंड्रेड, ऐसा है। ठीक है क्या करें, सबसे पहले तो देखो तो e टू द पावर x को अपन फाइंड पता करते हैं इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, कैसे करोगे डिफरेंशिएट करें? यस सर। dy / dx फाइंड कर लेते हैं, dy / dx बता दो क्या हो जाएगा, e टू द पावर x। अब सोचो x कुछ भी रखे है माइनस वन टू हंड्रेड में, देखो तो क्या ये हमेशा पॉजिटिव आएगा? यस सर पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे हमने देखा जो dy / dx जो है वो क्या है ग्रेटर देन जीरो है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो y जो होगा वो क्या होगा इंक्रीजिंग फंक्शन है? यस सर। ठीक है इंक्रीजिंग फंक्शन है यानी कि वैल्यू x का बढ़ रहा है तो धीरे धीरे y का भी वैल्यू बढ़ेगा, तो अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं जो इसका जो रेंज हो जाएगा वो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज रेंज अपन बोल सकते हैं डायरेक्ट क्या हो जाएगा f माइनस वन टू f हंड्रेड हो जाएगा। ठीक है तो यहां से क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस वन e टू द पावर हंड्रेड ऐसा हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अब सोचो ग्राफ से देखोगे तो तुम्हें लगेगा भी जो हाँ यार बात तो सही है, ये y एक्सिस है ये x एक्सिस है, y इक्वल्स टू e टू द पावर x का ग्राफ ड्रॉ करो ऐसा आएगा, y इक्वल्स टू e टू द पावर x का ग्राफ ऐसा आएगा। अब सोचो इसमें जो x आप इनपुट रख रहे हो वो कहाँ से कहाँ तक रख रहे हो, माइनस वन टू हंड्रेड, माइनस वन टू हंड्रेड, तो माइनस वन टू हंड्रेड में क्या होगा माइनस वन कहीं यहाँ पे होगा और 100 कहाँ पे होगा यहाँ पे होगा, तो देखो माइनस वन टू हंड्रेड यानी कि इनपुट अपन ये दे रहे हैं तो आउटपुट क्या ये वाला पार्ट अपने काम का है? यस सर। तो इसमें देखो तो लिस्ट वैल्यू और लिस्ट वैल्यू क्या मिल रहा है और लिस्ट वैल्यू बताओ क्या मिल रहा है, e टू द पावर माइनस वन, माइनस वन और ग्रेटेस्ट क्या मिल रहा है e टू द पावर हंड्रेड, हंड्रेड। अरे अपन माइनस वन टू हंड्रेड के बारे में ही बात कर रहे हैं ना, डोमेन तुम्हारा yes, आर नहीं है ना, बस इतना दिया हुआ है तो इसी में ग्राफ देखोगे ना, तो देखो तो क्या तुम्हारा e टू द पावर माइनस वन टू हंड्रेड आया, यही इसका रेंज हो जाएगा। यस सर। ठीक है चलेगा? यस सर। यस सर। सबको आया समझ में? यस सर। यस 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 चलो आगे बढ़ते हैं। अगर डिक्रीजिंग होगा तो क्या होगा, अगर सर जस्ट अपोजिट, यस सर हो जाएगा बिल्कुल। जैसे एक एग्जांपल ले लो आप समझने के लिए, y इक्वल्स टू अगर मैं बोल दू e टू द पावर माइनस x,
ये है, इसको डिफरेंशिएट करो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करते हैं। माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, माइनस ई टू माइनस एक्स, ऐसा होगा। अब मैंने yes, बोला इसका रेंज आपको फाइंड करना है कहां से कहां तक, एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू हंड्रेड में रेंज फाइंड करना है, ऐसा है। तो ये हमें पता चला भाई इसके बीच में ये क्या निगेटिव होगा, yes, हो गए तो निगेटिव आ रहा है। ये वाला बोलो सर, ये वाला पार्ट तो पॉजिटिव हो रहा है लेकिन माइनस बाहर में बैठा हुआ है जो कि उसको निगेटिव कर देगा। तो हमें क्या पता चला, डी वाई अपॉन डी एक्स जो होगा क्या ये लेस देन जीरो होगा, ऐसा होगा। तो यानी कि y जो होगा, y क्या होगा आपका, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, yes, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो रेंज इसका क्या होगा, पलट देंगे। अगर a टू b में अपन बात कर रहे हैं तो रेंज क्या हो जाएगा, f b टू f a हो जाएगा। तो रेंज क्या बोल दोगे आप, f 100 टू f माइनस वन। तो सोचो f 100 क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस 100 और माइनस 100 और e टू द पावर 1 होगा, ऐसा बोलोगे आप, यस सर। अब चलो इसको अपन वेरीफाई कर लेते हैं, हाँ भाई सच में ऐसा ही होता है क्या, ग्राफ देख लेते हैं इसका। इसका ग्राफ सबको पता है क्या, e टू द पावर माइनस x का, यस सर, यस सर। ये क्या हो गया, सारा गायब हो गया क्या, यस नहीं नहीं चलो इसका ग्राफ क्या ऐसा होता है, डिक्रीजिंग टाइप का होता है, यस सर। जो माइनस वन कहाँ पे होगा, माइनस वन टू हंड्रेड माइनस वन यहाँ पे होगा और हंड्रेड कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो अपने काम का जो ग्राफ है क्या ये वाला पार्ट है, यस सर, ऐसा है। तो सोचो माइनस वन पे क्या आ जाएगा, ए टू द पावर वन आएगा और हंड्रेड पे क्या आ जाएगा, ए टू द पावर माइनस हंड्रेड आएगा। तो रेंज क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस वाला पार्ट देखो कितना कवर कर रहा है, मैक्सिमम यही आएगा, समझ में आया। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो अपन क्या बोल देंगे, अगर ए टू बी में अपना फंक्शन इंक्रीजिंग है और कॉन्टिन्यूस है तो क्या अपन रेंज बोल देंगे, एफ ए टू एफ बी होगा, ऐसा बोल देंगे, चलेगा जी, यस सर। अगर डिक्रीजिंग होगा तो क्या पलट जाएगा, यस सर, ऐसा हो जाएगा। चलिए इतना समझ में आ गया, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। तो e टू द पावर x प्लस से e टू पावर e प्लस वन, चलो सही है, कौन बताएगा, चलो अनुराग, हेलो अनुराग, यस सर, हाँ कैसे फाइंड करेंगे इसको बताओ, कैसे पता करेंगे ये इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज कैसे पता करोगे सर, e से e टू द पावर e प्लस वन, सही बता रहे हो। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करें, यस सर, e टू द पावर x प्लस वन बाय x, e टू द पावर x प्लस वन बाय x, वन बाय x। अब इसमें देखो तो x का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक रखो, इसमें क्या हमेशा पॉजिटिव आएगा चाहे कुछ भी, यस सर, यस सर, पॉजिटिव आए, यानी कि f डैश x होगा क्या ये ग्रेटर देन जीरो होगा। तो क्या बोलोगे, एफ एक्स जो है क्या वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, यस सर। तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो अपन रेंज क्या बोलते हैं, ए टू बी में कौन से, एफ वन टू एफ ई होगा, ऐसा होगा। तो एफ वन का वैल्यू बताओ कितना रखोगे, ई टू द पावर वन प्लस एल एन वन, और ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर ई
प्लस एल एन ई, ऐसा बोलेंगे क्या? क्या ये ई प्लस इसका क्या वैल्यू जीरो होता है, ई टू द पावर ई प्लस वन बोलोगे, क्या यही आंसर आएगा? यस। चलो बढ़िया है, इसको अपन शॉर्टकट भी मारेंगे, अभी आपको सिखाऊंगा मैं कुछ कुछ चीजें याद करने के लिए। अगर इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग हो ना तो वो क्या कहलाता है? इंक्रीजिंग ही कहलाता है, अपने को डिफ्रेंशिएट करने की भी जरूरत नहीं थी। ये पता है अपने को इंक्रीजिंग होता है, ऐसा ग्राफ होता है, इसका भी पता है ऐसा होता है, इंक्रीजिंग होता है। तो अगर इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग फंक्शन हो तो वो क्या आएगा? ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा। समझ में आया सबको? yes. तो ये इंक्रीजिंग है तो डायरेक्ट अपन यहाँ पे आ सकते हैं, डायरेक्ट रेंज बोल सकते हो आप, समझे? yes. चलो इसको करेंगे अभी, पहले तुम इसको सॉल्व करो, ये क्या होगा? माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी, माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी, यानी कि आर। यस सर। क्या सबका यही आर है? कर ले। चलो जितेंद्र, हेलो जितेंद्र, यस सर। हाँ कैसे करेंगे बताओ, प्रोसीजर बताओ। सही आ रहा है जितेंद्र, कैसे होगा बताओ? सर डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट कर देंगे, कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? टू माइनस कॉस एक्स। अब क्या किया जाए? कहिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है? कॉस कहाँ से कहाँ होता है, कॉस के बारे में बताओ। माइनस वन से वन, माइनस वन से वन होता है। चलो पता कर लेते हैं, कॉस होगा माइनस वन से वन होगा, माइनस कॉस क्या हो जाएगा? क्या ये भी माइनस वन से वन होगा? यस। तुम टू ऐड कर दो, ये क्या आ गया? वन टू थ्री आया। क्या तुम्हें पता चला जो एफ डैश एक्स जो है ये ऑलवेज पॉजिटिव है? यस सर। बताओ। यस। तो एफ डैश एक्स जो है क्या ये ग्रेटर देन जीरो है? तो एफ एक्स अपना क्या होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। यस सर। ठीक है, अगर ये इंक्रीजिंग होगा तो इसका रेंज बता सकते हो, इसका जो डोमेन है वो क्या है? डोमेन बता दो, डोमेन क्या है? क्या ये x belongs to R है? Yes, minus infinity से infinity। हाँ, तो इसका जो range हो जाएगा ना, वो range क्या हो जाएगा? क्या range belongs to बोल सकते हैं? जो अपन f infinity x tending to minus infinity, x tending to minus infinity to f x tending to plus infinity, ऐसा बोलेंगे। अगर अपन माइनस इनफिनिटी रखेंगे तो ये किसको टेंड करेगा? माइनस इनफिनिटी को। देखो ऐसा होगा, अगर इनफिनिटी रखेंगे तो ये किधर को चला जाएगा? एक्स तुम्हारा इनफिनिटी है, ये साइन जो है क्या होगा? इनफिनिटी पे कुछ भी हो रहा होगा, क्या मतलब अपने को? वो माइनस वन से वन ही हो रहा होगा ना, बगल में तो इन्फिनिटी बैठा हुआ है, ऐसा है ना? तो क्या ये तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगा? यही आंसर होगा। अच्छा, हम इसे दोनों ग्राफ, दोनों के इंडिविजुअल ग्राफ ऐड करके भी कर सकते थे। हाँ बिल्कुल कर सकते थे, यहाँ पे ये सिंपल सा हो नहीं रहा है, तुम ग्राफ ऐड कर रहे हो ना सर। अगर हाफ एक्स माइनस साइन एक्स होते तो फिर ये मेथड नहीं वर्क करता, तो वहाँ पे वही करना पड़ता। हाँ फिर आपको पता करना पड़ता, नहीं तब आप पता करते इंटरवल जो किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। सर कैसे पता है फंक्शन कंटीन्यूअस है? कॉन्टिन्यूस प्लस कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस। अभी अभी सोचो ना, अभी क्या सोचोगे तुम? ये कॉन्टिन्यूस ही है, इस कभी पे डिसकंटिन्यूटी आ रहा है? कहीं पे ऐसा है जो कोई एक अनडिफाइन हो जाए, है ऐसा? नो सर। तो कॉन्टिन्यूस है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, नहीं है ना? नो सर। क्या बताओ तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रहा है मेरे से बताओ, क्या समझ में नहीं आ रहा है सबको? बोलो, अपन और करना चाहेंगे।
अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे ये देखो। तो अभी जो तुमने पढ़ा था पहले, हाँ उसमें दो पॉइंट मैं पहले ऐड कर देता हूँ, फिर अपन उसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक तो आपने ऑब्जर्व किया था साइन वाले ग्राफ में जो अग्रसर फंक्शन इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग होता है, ठीक है ना। फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग, और यहाँ पे ये क्रिटिकल पॉइंट्स आएगा। अब आप बताओगे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट मिनिमम और मैक्सिमम। हाँ, जहां पे सोचो dy / dx क्या हो, जीरो हो या फिर अनडिफाइंड हो। चलो अनडिफाइंड के बारे में तो अभी बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या होता है जहां पे dy / dx जीरो, तो सोचो अगर इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग कहने का मतलब क्या है, dy / dx अपना क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। dy / dx जो होगा इस वाले में क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, जिधर इंक्रीज कर रहा है ग्रेटर देन जीरो होगा। और सोचो यहाँ पे ये x1 जो है ये तुम्हारा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट ऐसा पॉइंट जहाँ पे dy / dx जो है ये क्या है तुम्हारा, जीरो के इक्वल है। इंक्रीज कर रहा है ग्राफ, फिर यहाँ पे dy / dx जीरो हुआ, फिर तुम्हारा ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। तो बताओ क्रिटिकल पॉइंट्स के अबाउट अपने को क्या मिलेगा, डिक्रीजिंग मतलब dy / dx लेस देन जीरो। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के अबाउट अपने को क्या मिलेगा बताओ, मिनिमा। इंक्रीजिंग अभी क्या था, डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग था या इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग था जो मैंने लिखा था, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग। जो इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, अपने को क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा मिलेगा, मैक्सिमा मैक्सिमा मिलेगा। अगर डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज फिर जीरो हुआ फिर इंक्रीज किया, मतलब नेगेटिव स्लोप, लोकल मिनिमा, नेगेटिव स्लोप, तो क्या अपने को लोकल मिनिमा मिलेगा, यस ऐसा है, चलेगा। तो इसको अपन लिख लेते हैं यहाँ पे। तो सोचो अगर इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ऐसे, फिर ऐसे डिक्रीज किया, तो क्या क्रिटिकल पॉइंट्स के अबाउट अपने को क्या मिलेगा यहाँ पे, लोकल मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है, चलो समझने के लिए कर आप स्केच भी बना लो। चलो ऐसे करके इंक्रीज कर रहा है भाई, इंक्रीज किया फिर यहाँ पे ऐसे करके डिक्रीज किया, तो अपने को दिख भी रहा है हाँ यहाँ पे तो लोकल मैक्सिमा मिलेगा। क्लियर है सबको? दूसरा सोचो आप, ये यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स है एक्स वन, ठीक है, इस बार ये क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग अपन जा रहे हैं, तो इस बार क्रिटिकल पॉइंट्स के अबाउट अपने को क्या मिलेगा, डिक्रीज। धीरे धीरे अपन x का वैल्यू बढ़ रहे हैं, y का वैल्यू धीरे धीरे घट रहा है, स्लोप भी क्या है, निगेटिव है, डिक्रीजिंग है। यहाँ पे जीरो हुआ फिर ऐसे इंक्रीज किया, तो अपने को क्रिटिकल पॉइंट्स के अबाउट क्या मिलेगा भाई, लोकल मिनिमा, ऐसा बोलोगे बताओ। यस सर, चलेगा। अब सोचो कोई ग्राफ है, अपने को कोई क्वेश्चन दे दिया है ऐसा, तो ऑब्जर्व करो, आप खुद ही बता दोगे जो उसको कैसे करना चाहिए। कोई y equals to fx दे दिया है, y equals to fx अपने को दिया है और बोला है चलो तुम रेंज बता दो, x belongs to a to b में रेंज क्या होगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले डिफरेंशिएट किया, मिनिमा निकाल लेंगे डिफरेंशिएट करके, डिफरेंशिएट करके, बहुत बढ़िया, डिफरेंशिएट करके आपने इंटरवल फाइंड कर लिया। फर्स्ट स्टेप, स्टेप वाइज देख लो, लिख लेते हैं स्टेप वन। आपने क्या किया, dy / dx फाइंड कर लिया, ठीक है। स्टेप टू, आपने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर लिया, क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है भाई, जहां पे dy / dx क्या हो, जीरो, जीरो, जीरो किए तो मान के चलो दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गया, एक x1 आ गया, दूसरा x2 आ गया, ठीक है। स्टेप थ्री, इंक्रीजिंग वाला इंटरवल आपने फाइंड कर लिया, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीजिंग वाला क्या था तुम्हारा, अभी देखो तो इंक्रीजिंग मतलब जहां पे dy / dx ग्रेटर देन 0 था,
डिक्रीजिंग वाला इंटरवल क्या था जिसमें तुम्हारा d f 0 था, तो तुमने फाइंड कर लिया फॉर इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग के लिए क्या बोलोगे भाई, आप क्या करोगे dy / dx को इनक्वालिटी को आपने सॉल्व कर लिया, ग्रेटर देन 0 कर दिया, समझे। अगर इंक्रीजिंग ग्रेटर देन 0 किया तो इनक्वालिटी जब सॉल्व किया तो तुम्हारा कुछ ऐसा आ गया, यहां पे x1 आ गया, यहां पे x2 आ गया, इधर प्लस आ गया, इधर माइनस, इधर प्लस। तो सोचो जिसमें प्लस आया क्या वो तुम्हारा इंक्रीजिंग वाला है, क्या ये इंक्रीजिंग वाला है, क्या ये डिक्रीजिंग है, ऐसा आ गया। इसी के बारे में तुमने पता किया ना, dy / dx जिसमें ग्रेटर देन 0 होगा वो इंक्रीजिंग होगा, और जिसमें लेस देन होगा क्या उसमें डिक्रीजिंग होगा। यस सर। अभी तुमने फाइंड कर लिया जो किस इंटरवल में फंक्शन अपना इंक्रीज कर रहा है और किस इंटरवल में फंक्शन अपना डिक्रीज कर रहा है। अब क्या करो, स्टेप थर्ड हो गया, फोर्थ के बारे में बात करते हैं। स्टेप फोर्थ, इस बार क्या करो, ये जो एंड पॉइंट्स है, एंड पॉइंट्स पे अपना फंक्शन का वैल्यू फाइंड कर लो, एफ ए का वैल्यू फाइंड कर लो, एफ बी फाइंड कर लो, और क्रिटिकल पॉइंट्स पे भी वैल्यू फाइंड कर लो, बस इतना काम कर लो, ठीक है। अगर ऐसा किए तो मान के चलो जो वैल्यू जो आया कुछ ऐसा आया, ए तुम्हारा यहाँ पे है, x equals to a तुम्हारा मान के चलो यहाँ आ गया, और b तुम्हारा x equals to यहाँ आ गया। सो जो a पे जो है ना वो नेगेटिव वैल्यू है और ये भी पॉजिटिव आया, इसका ग्राफ अगर अपन ड्रॉ करें तो कुछ इस टाइप का आ गया, ये पॉजिटिव था फिर धीरे धीरे घटा, यहाँ पे नेगेटिव आया, फिर ऐसा कुछ आ गया, समझे क्या। क्या अगर अपने को वैल्यू मिल जाएगा तो अपन नहीं पता कर पाएंगे जो ए पे क्या आ रहा है, किस नीचे आ रहा है या ऊपर आ रहा है, ये सब तो बता कर पाएंगे ना। अगर तो नीचे होगा एक्स एक्सिस के, अब सोचो यहाँ पे अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है तो ऊपर होगा, ये वाला अगर पॉजिटिव हुआ तो ऊपर होगा, निगेटिव हुआ तो नीचे होगा, ऐसे करके हमने ये रफ स्केच बना दिया। अब अगर अपने से रेंज पूछे तो क्या मैं रेंज बता सकता हूँ, क्या मैं रेंज बता सकता हूँ क्या होगा बताओ, अगर आपसे रेंज पूछे तो रेंज क्या बताओगे। सो कौन से क्रिटिकल पॉइंट जिसकी लोएस्ट वैल्यू और फिर टू क्रिटिकल पॉइंट जिसकी हाईएस्ट वैल्यू, मिनिमा टू मैक्सिमा, बिल्कुल सही। इसने बोला रेंज जो होगा, क्या रेंज अपना एफ मिनिमम टू मैक्सिमम होगा, ऐसा होगा। अब सोचो मान के चलो ए पे इसका मिनिमम आया और यहाँ पे एक्स वन पे मैक्सिमम, चलो ए पे नहीं, चलो एक्स टू पे इसका क्या आया, मिनिमम आया मैक्सिमम आया, तो क्या रेंज बोल सकते हो जो एफ एक्स टू टू एफ बी होगा, ऐसा बोलोगे आप बताइए। yes. चलेगा yes. तो हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप dy / dx फाइंड किया, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर लिया, फिर अपन ने देखा जो किस इंटरवल फंक्शन इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, क्रिटिकल पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स पे हमने फंक्शन का वैल्यू फाइंड कर लिया और एक रफ स्केच ड्रॉ कर लिया, या नहीं भी करते तो डायरेक्ट ही बोल सकते हो अगर कॉन्टिन्यूस है तो, मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, रेंज होगा, खत्म। सर x2 में सकता है मिनिमम, a पे भी मिनिमम हो सकता है। हाँ कहीं पे भी हो सकता है, वो तो अपने को इससे पता चल जाएगा ना, कहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं वहां भी मैंने क्यों लिया, ऐसे ही ले लिया। क्रिटिकल पॉइंट्स क्यों डिफाइन किए, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है ना, जहाँ पे dy / dx जीरो होता है। सोचो अगर तुम्हारा स्लोप यहाँ से देखो पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव से अगर निगेटिव जा रहा है तो बीच में क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। यस सर। और जहाँ पे जीरो हो रहा है वहां पे क्या दे रहा है, लोकल मैक्सिमा दे रहा है। यस सर। इसलिए ही है। चलो अगर ये आ गया तो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ तो स्टेप वाइज। चलो फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लो, स्टेप वन क्रिटिकल पॉइंट बता दो क्या होगा सर, माइनस टू प्लस माइनस टू, यानी कि एफ डैश एक्स अगर माइनस टू करें तो क्या आएगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व। स्टेप टू क्रिटिकल पॉइंट, आप क्या बोलोगे, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो जीरो करेंगे तो यहाँ से अपने को मिल रहा है थ्री कॉमन ले ले, तो क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो, क्या यहाँ से एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस टू आ रहा है, गुड। अब सोचो स्टेप थ्री क्या करते थे अपन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, या फिर डायरेक्ट यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स पे निकाल लो, एंड पॉइंट्स पे फंक्शन का वैल्यू निकाल लो, तब भी आ जाएगा। चलो कर लेते हैं अपन, ग्राफ ही ड्रॉ कर लेते हैं फॉर इंक्रीजिंग।
इंक्रीजिंग के लिए बताओ क्या लिखते हो आप, f dash f x अपना क्या होना चाहिए, यानी कि dy upon dx greater than 0 होना चाहिए। यस रख लो इसको, तो क्या बोलोगे, x square minus 4 greater than 0, यानी कि x minus 2 x plus 2 greater than 0, तो यहां से x देख लो क्या आ रहा है, minus 2 2, क्या इसमें प्लस इसमें माइनस, इनफिनिटी से माइनस 2 और 2 से इनफिनिटी। ओके आंसर आ गया, नहीं इसका बता रहे हो, चल यस यहाँ पे क्या है माइनस 2 है, यहाँ पे क्या है 2 है, अपने को पता है इस वाले में क्या है प्लस है, तो ये क्या होगा इंक्रीजिंग होगा, इसमें क्या होगा माइनस है, तो क्या इसमें डिक्रीजिंग होगा, इसमें क्या होगा इंक्रीजिंग होगा, ऐसा आप बोलोगे। यस अब माइनस 3 कहाँ पे लाई कर रहा होगा, क्या माइनस 3 यहाँ पे होगा और ये 1 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, मतलब अपने को मतलब बस इतना ही है माइनस 3 और 1 के बीच में, तो क्या अपन f ऑफ माइनस 3 फाइंड कर सकते हैं कितना आएगा बताओ, माइनस 27 और क्या हो जाएगा प्लस 36 9, ऐसा बोलो कितना 9 आया, 9 f ऑफ माइनस 2 बता दो कितना आ रहा है माइनस 8 12 और यहाँ पे 24 क्या आ रहा है माइनस 2 ही रखे थे ना, ठीक है 16 माइनस आया ना, सब प्लस होगा प्लस 24 हाँ, तो ये कितना 16 आया चलेगा। यस अब जो अपने को चलो पूरे ग्राफ बना लेते हैं फिर बाद में उसको कर लेंगे, f1 क्या आ जाएगा बता दो, 1 माइनस 12 माइनस 11 माइनस 11 11 f ऑफ 2 कितना आएगा सर, वो रेंज से बाहर है सर, रेंज से बाहर है सर, डोमेन के बाहर है, निकाल लेते हैं कितना आएगा माइनस 16 आएगा। यस सर, नहीं नहीं माइनस 16 नहीं ज्यादा आएगा, गलत बता रहा हूं, क्या 2 रखे हो ना, ये तुम्हारा 8 आ गया और ये तुम्हारा माइनस 24 आ गया, सही था, ऐसा आएगा रेंज से, डोमेन से बाहर है वो। अगर अपन इन सबको अगर अपन ड्रॉ करें तो कहाँ कहाँ पे होगा, देखो तो माइनस 3 पे तुम्हारा 9 आया, क्या यहाँ पे कहीं होगा माइनस 3, 9, चलो 2 पे माइनस 2 पे देखो तो माइनस 2 पे क्या आ रहा है 16 आ रहा है, चलो इसको माइनस 2 पे 16 आ रहा है, यानी कि ऊपर होगा, ठीक है, और 1 पे देखो तो कितना आ रहा है माइनस 11 आ रहा है, नीचे आ जाएगा बोलो। अब yes, तो 2 पे कितना आ रहा है, 2 पे और भी नीचे है, ये सब तो है ही, ठीक है ऐसा है। अगर तुम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहोगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा, चलो यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या था, माइनस 2 और 2 था, नहीं माइनस 2 और ये 2 था, तो माइनस 2 पे क्या आया वैल्यू, माइनस 2 पे देखो तो क्या आया 16 और प्लस 2 पे माइनस 16, माइनस 2 पे 16 और प्लस 2 पे माइनस 16, ठीक है, और इससे पहले तुमको पता है इधर वाले में क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है yes, और इधर वाले में क्या ये डिक्रीज कर रहा है, और इधर वाले में क्या ये इंक्रीजिंग है, ठीक है। अगर अपन पूरे ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे तो क्या होगा, क्या ऐसा होगा इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया, क्या ग्राफ ड्रॉ करना आपको सीख मतलब सीख गए आप, ऐसा yes, होगा sir, ऐसा होगा। अब चलो फिट कर दो, माइनस 3 पे क्या था आपका, माइनस 3 पे 9 था, माइनस 3 क्या कहीं यहाँ पे आएगा, Yes. और माइनस 3 पे आ गया 9 चलेगा, सर 1 पे 11 था माइनस 11 पे माइनस 11 था, तो 1 पे माइनस 11 था, तो क्या ये 1 कहां यहीं पे होगा, यहीं पे होगा x equals to 1, तो 1 पे आ गया माइनस 11। अब देखो तो ग्राफ का कितना पार्ट आपके काम का है, माइनस 3 से लेके 1 ही था ना, तो क्या ये वाला पार्ट आपके काम का है, बोलिए। यस सर, तो इसमें देखो तो रेंज क्या हो जाएगा, मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज बता दो क्या आ जाएगा,
माइनस 11 टू 16 माइनस 11 टू 16। अब इस ग्राफ का फायदा क्या क्या है बताएं? अगर आपसे थोड़ा अलग टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है ना, चलो ग्राफ दे देता, ये वाला एक्सप्रेशन दे देता, ये वाला एक्सप्रेशन दे देता, और चलो और थोड़ा गंदा कर देते हैं, प्लस 1000 लिख देते हैं और एक्स स्क्वायर का भी टर्म्स ले आते हैं, तो क्या अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये बता सकते हैं जो नंबर ऑफ रूट्स कितना होता है उसका, रियल रूट्स बता पाते हैं? कैसे बता पाते हैं? तो देखते हैं जो ग्राफ जो है कितनी बार कट किया इस एक्स एक्सिस को, जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतना नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे उसके। यस हाँ, तो अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना आ गया ना तो इससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे हो जाएगा। कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और क्रिटिकल पॉइंट से वैल्यू फाइंड कर लिए और फिर अपन ड्रॉ कर दिए, फिर एंड पॉइंट जहां जहां था तो वहां पे वैल्यू फाइंड करके अपन पता कर लिए वो कहां लाइक कहां आ रहा है। चलेगा जी? बोलो। यस सर। ठीक है। यस सर। तो आपके लिए ना ये वाला होमवर्क है, ठीक है, ये खुद से करना है, इसी के थ्रू होगा। फिर नेक्स्ट थोड़ा अपन शॉर्टकट के बारे में बात करेंगे, फिर एएम जीएम के बारे में बात करेंगे, फिर अगला चैप्टर अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा इनटू ऑनटू। ठीक है, ओके बाय। पढ़ो जो ब्लॉग वाला क्वेश्चन रहा था वो वापस समझा दीजिए।